उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ननकगंज झाला में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई, लेकिन एक पक्ष की महिला व उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल महिला अर्चना को गंभीर होने के कारण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि पूरे मामले की शिकायत जो है वो की गई है। वहीं वीडियो अर्चना द्वारा बताया गया कि उसकी द्वारा शिकायत जो है वो करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस में शिकायत करने पर उसे पुनः पीटा, जिससे बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़ितों ने कहा कि पुलिस ने अगर शिकायत पर मिलने पर तत्काल कार्रवाई की होती तो दबंगों के हौसले बुलंद नहीं होते। हरदोई से ब्यूरो चीफ अनिल सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू श्रीवास्तव। कहाँ रहते हो? नानागंज झाला थाना देहात कोतवाली। क्या समस्या है बताइए? हम घर में थे नहीं, हमारी मम्मी और पापा को हमारे चाचा ने मारा, शिवम श्रीवास्तव उनका नाम है। दादी पूरे घर में मिल गए। पिताजी की हमारी तबीयत खराब है, लखनऊ से इलाज चल रहा, वो भी बीमार। उनको भी जान से मारने का हमला किया, चिटुआ दिवाया, मम्मी को भी मारा। आप लोगों को मतलब हमारे मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए, परिवार हमारा पूरा उनके तरफ। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं। कहीं शिकायत की? देहात कोतवाली में सुबह एप्लीकेशन दे आए थे, फिर उसके बाद सर ने कहा शाम को आएंगे, तो फिर मारपीट की, खूना कच्चर, तो फिर सर आए, सर ने कहा ट्रामा सेंटर ले जाइए। फिर उसके बाद में वहाँ ट्रामा सेंटर गए, फिर वो वहाँ थाने से मेडिकल के लिए आए, फिर वहाँ भी स्ट्रेचर पर लेटे थे, तो हमारे जो चाचा थे उन्होंने कहा कि अभी तुम यहाँ से निकलो, फिर तुमको भी मार डालेंगे। सुबह आए तो भैया लोगों के साथ में, तो इन्होंने हमारे दो चार चपोटे मार दिए।